कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के निर्देशन अनुसार और जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में जहरीली शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंदसौर में हुई जहरीली शराब की मौतों के बाद विशेष सतर्कता के साथ शिवपुरी जिले में इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत लगातार दबिश देकर अवैध शराब के विरुद्ध प्रकरण कायम कर सख्त कार्यवाही की जा रही है, जिस पर आज व्रत शिवपुरी प्रभारी तीर्थराज भारद्वाज के द्वारा हाईवे पर चेकिंग शुरू की गई। इसमें नए बाईपास पर स्थित कृष्णा ढाबा, न्यू जगन होटल, धौलपुर ढाबा, कुशवा होटल, कृष्णा होटल, सरपंच ढाबा, चाय की गुमटी के साथ अनेक स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र में पत्थर फैक्ट्री के पास स्थित होटल पर कार्यवाही करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 7 प्रकरण कायम किए गए। इसमें कुल 92 पाव देशी प्लेन मदिरा, 8 लीटर हाथभट्टी मदिरा जब्त की गई। इस कार्यवाही में तीर्थराज भारद्वाज, आबकारी उप निरीक्षक अखियराज यादव, मुख्य आरक्षक मोहनलाल, मुख्य आरक्षक सतीश जयंत आरक्षक का सराहनीय योगदान रहा।